वेलकम फ्रेंड्स, मैं ऋषि राठी जल चैनल में। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा, मेरी वीडियो आएगी, वो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाएगा। आज का हमारा जो लेक्चर है एमएस वर्ड में 13वां है, ठीक है भाई। लेक्चर नंबर 13वां है टाइपोग्राफी। भी हम इसमें टाइपोग्राफ, हाउ टू यूज टाइपोग्राफी, इसमें राइटिंग स्टाइल को कैसे टाइपोग्राफी में चेंज कर सकते हैं। आप चलिए लेक्चर की तरफ चलते हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं इधर अपना नाम लिखूंगा, ये मैं नाम लिख देता हूं अपना, ये अब मेरा नाम हो गया। मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, ये देखिए अब मैंने सेलेक्ट कर गया, मैं इसे बड़ा कर रहा हूँ, ये देख मेरा बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब ये इतना बड़ा हो गया। अब आपने क्या करना है, इधर सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट हो गया, अब आपने करना है सबसे पहले F7 दबाना है। क्या दबाना? F7 दबाने के बाद आपने इधर इग्नोर ऑल पे कर देना है। ये देखें, ये जो मैंने नीचे लाइन की कहा ना, अब देखें कहाँ पे खत्म हो गई ना, ठीक है। अब चलिए अब इसकी टेक्स्ट टाइपोग्राफी में चलते हैं। इसे सेलेक्ट कर लिया, ये देखें हमारे पास टेक्स्ट टाइपोग्राफी। इसे क्लिक करेंगे, ये देखें मेरा ये कलर हो गया, अब ये हो गया। मैं फॉर एग्जाम्पल यही वाला कलर रख लेता हूँ, ये देखें। मैं दोबारा कंट्रोल ए करता हूँ, मेरा सेलेक्ट हो गया, अब ये वाला कलर एक हो गया, ठीक है। अब मेरा ये एक कलर ये हो गया, एक तो भाई एक मेरा ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसे चाहता हूँ कि मैं दोबारा कंट्रोल ए करूंगा, ये देखें मैं कंट्रोल ए कर दिया, अब मैं दोबारा वहीं पे जाता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये वाला करूँ, ये देखें अब ये कितना सही लगा, ये देखें। आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। वो आपका डिपेंड करता है, जो भी आप इसका कलर रखना चाहें, ठीक है। चाहे ये रखें, चाहे ये रखें, जो भी रखें, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक। मैं ये रख लेता हूँ, ये देखें। अब मैंने इधर जैसे ही सेलेक्ट करूंगा, ये देखें, अब मैं इधर से सेलेक्ट करूंगा, ये देखें ये मेरा आ गया, ठीक है। आपको इधर जाने की जरूरत नहीं है, ये देखें मैं आपको तो पता, इधर ही मैं सेलेक्ट करूंगा, ये देखें मैं जैसे ही सेलेक्ट करूंगा, ये देखें ये मेरे पास आ गया, टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। आपने इधर क्लिक करना है, आपके वो वाले कलर वहीं पे इधर ही शो होने शुरू जाएंगे, ठीक है। आपने उधर जाए तो वो आपकी मर्जी, इधर से उठा लें वो आपकी मर्जी, एक ही बात है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इधर से एक कलर उठाऊं, अब मैंने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ आउटलाइन में, आउटलाइन में जाने के बाद मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं यही वाला कर लेता हूँ, एक तो ये मेरा क्लियर, ठीक है। मैं अब दोबारा इधर ये देखें, अब ये इतना शो क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, ये देखें हल्का से शो हो रहा है। मैं दोबारा इसे सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल ए करूँगा, ए करने के बाद मैं दोबारा वहीं पर वापिस जाऊँगा, वापिस जाने के बाद मैं इधर आउटलाइन पे जाऊंगा, आउटलाइन पे जाने के बाद मैं वेट्स पर आ जाऊंगा। इधर देखें अब ये इधर इसको नोट करें, ये हल्का सा शो हो रहा है, ठीक है। अब इसे देखें, इसे देखें, उससे बहुत ज़्यादा, अब उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, अब ये देखें उससे भी ज़्यादा, अब उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, अब उससे भी ज़्यादा, देखें ना इसका यही होता है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल इसे रख लेता हूँ ये वाला, अब ये देखें कोई शो नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं, देखा है ना। मैं दोबारा इसे सेलेक्ट करूंगा, मेरा सेलेक्ट हो गया, मैं जा इधर वापस जाऊंगा, वहीं पे जाने के बाद अब मैं दोबारा वहीं पे आ जाता हूँ, अब मैं इसे यहीं पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब ये देखें, ठीक है। अब तो मेरा ये आउटलाइन क्लियर हो गया, आपको भी पता लग गया भाई इसे कैसे, इसमें वेट्स कैसे लगाया जाता है, ठीक है। इसे हाइट ज़्यादा शो करने के लिए, बहुत ज़्यादा शो करने के लिए आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करना लाजमी है, ठीक है। आउटलाइन हमारी क्लियर हो गई, आउटलाइन के बाद अब आता है डिशेस, ठीक है। आप इसमें क्या कुछ लगाना चाहते हैं, मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि आपको भी सही नजर आए, ये देखें एक मिनट, इधर से मैं ये बढ़ा लूँ, आप चेक करें, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा, नो 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 नो,
मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ये देखिए अब मेरा वहीं पे आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसे मैं उसी डिशेज में ले जाऊं, मैं वहीं पे दोबारा जाऊंगा। वो दोबारा जाने के बाद मैं आउटलाइन पे जाने के बाद डिशेज इधर आने के बाद ये देखिए मैं अब ये वाला, ये कोई भी वो आपको पार्टी पेंड करता है। ठीक है, मैं यही वाला रख लेता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका यही वाला थोड़ा सा बड़ा नजर आए जो ना। ठीक है, मैं इसे सेलेक्ट करूँ, दोबारा सेलेक्ट करने के बाद इसको बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए। मैं इधर क्लिक करूँगा, इधर क्लिक करने के बाद दोबारा इधर ही इधर आने के बाद मैं डिशेज दोबारा इधर इस जगह पे, ये देखें आप कितना बड़ा हो रहा है। ठीक है, वैसे वैसे आप उधर से वो लगा करना, डिशेज से लगा कर इधर से कोई भी लगा कर, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल यही वाला उठा लेता हूँ, क्लिक करूंगा, दोबारा क्लिक करने के बाद दोबारा मैं वापस जाऊंगा आउटलाइन में। आउटलाइन में जाने के बाद अब मैं वहीं पे वापस आ गई, ये देखें अब इसे ये देखें इतना बड़ा हो गया। अब ये मैं यही वाला रख लेता हूँ, अब ये चेक करें। ठीक है, इतना बड़ा हो गया हमारे पास डिशेज भी, और हम ये डिशेज से इतना शो करा सकते हैं। ये मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं वहीं पे वापस ये देखें। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज कर दूं, बस इसका कलर बाकी वही रहे, सेम टू सेम नजर भी है सब कुछ, हो इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें अब ये कितना अच्छा लग रहा है, मैं यही वाला रख लेता हूँ। ठीक है, मेरे ये क्लियर हो गई, आप चेक करें। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसमें और मजीद देखें आगे, मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा टेक्स्ट टेक्स्ट में जाने के बाद अब मैं शेडो चाहता हूँ इसका, शेडो समझते हैं ना, ये जिसे साया वगैरह कहते हैं। अब इसका साया हल्का सा देखें, ये देखें ये अब इधर आ जाए, इधर देखें ये ऊपर आ रहा है, ये नीचे हो रहा है, अब इसे देखें ये ऐसे ही नीचे आ रहा है, ये भी ये इसका साया चेक करें। अब मैं फॉर एग्जांपल यही वाला रख लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें इसका साया, मैं जैसे इधर क्लिक करूंगा ये साया इसका चेक करें। मैं दोबारा कंट्रोल ए करता हूँ, वापिस वापिस जाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहीं पे आ जाता हूँ। ठीक है, यहीं क्या पे आ जाने के बाद अब मैं शेडो, आउटलाइन तो हमारी क्लियर हो गई, शेडो भी क्लियर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन इट मीन्स आक्स को कहते हैं। ठीक है भाई, जिसमें कोई चीज उसे नजर आए, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एने में देखते हैं। ठीक है, एने में हम अपना फेस देखते हैं, ठीक है, फेस टू फेस हमें नजर आता अपना, ये भी वही है सिस्टम। जैसे हम लाइव आ जाते हैं टिकटॉक पे या किसी और चीज पे लाइव, ये भी ऐसा है। ये देखें आप इसका वो भी नजर आ रहा है, नीचे वाला भी नजर आ रहा है, डबल क्रॉस हो गया। अब ये चेक करें उससे बढ़ के, ये एक दूसरे से, सब एक दूसरे से बढ़ के हैं। ठीक है, आप ये वाला भी सिलेक्ट कर लें, ये देखें अब ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं इधर जैसे क्लिक करूंगा, अब ये चेक करें, मैं अब कंट्रोल जेड करता हूँ, अब मेरा वैसे का वैसे। ठीक है, वही वाला। अब मैं दोबारा कंट्रोल इधर से ए करता हूँ, अगर आपको सेलेक्ट करना ना क्लियर, कंट्रोल ए करें। ठीक है, अगर कोई चीज गलत वगैरह इट मीन्स हो जाए, ठीक है, आपने कंट्रोल जेड करना है। जैसे अभी मैंने जेड किया, कंट्रोल जेड किया है, मेरा वो वाला साया हट गया। इसका भी वही सिस्टम है, एक जैसे हाल है। ठीक है, इसका भी एक जैसा हाल है। ठीक है, बाकी कोई इसमें इशू वगैरह वाली बात कोई नहीं। ठीक है, आप इससे वो भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, हमने ये देख लिया भाई इसे कैसे डिजाइन में किया जाता, वेट में किया जाता। अब मैं इसे दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल ए करने के बाद दोबारा मैं वहीं वापस जाता हूँ। ठीक है, वापस जाने के बाद रिफ्लेक्शन हमारा क्लियर हो, अब ग्लो पे आ जाते हैं। ग्लो पे ये देखें इसका शेडो, जो एक तो शेडो था ना उसका, ग्लो का मीन्स ये है कि भाई इसका वो, ये देखिए अब ये साइड पे थोड़ी वापिस वहां पे आ गए, हम वापिस चलते हैं। ठीक है, अब वापिस आने के बाद ग्लो पे आ जाते हैं। ठीक, अब ये देखें मैं इसी क्लिक करता हूँ, इसी को ये देखें इसका साया, अब ये देखें इसका ये पाउडर वगैरह, जैसे कहते हैं हम ना लड़के के मुंह पर, जैसे इतना पाउडर वगैरह लगाती हैं खूबसूरत हो जाती हैं। ठीक है,
इसका भी यही हाल होता है, जैसे लड़की ब्यूटी पार्लर पे जाती है इतनी बोर्ड लगा के इतनी बांध ठान के जाती है, इसका भी यही। अब ये हमने बांध ठान के इसे बना दिया, ये कितनी खूबसूरत लग रही है, ठीक है, इसका भी यही हाल होता है। ठीक है, अब वापिस चलते हैं, हम वापिस आने के बाद ग्लोब हमारा पास यही थोड़ा सा, इसमें कोई याद नहीं है। ठीक है, आप इसके मॉल का में जाएं और इससे अपना खुद चॉइस भी कर सकते हैं। ठीक है, खुद चॉइस करके इधर से भी लगा सकते हैं आप, अगर आपको कहीं से भी ये अच्छा लग रहा है भी ये लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने ये लगा दिया, ये देखें ये कितना अच्छा लग रहा है, जो आपकी मर्जी जो भी आपको परफेक्ट लगे वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये इशू नहीं है भाई, आप ये नहीं वो लगा सकते भी, ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगे तो वो ये ले लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये इसका बस ऐसे हल्का कलर ये हो गया, जो भी आपको पसंद है आप इधर से ग्रो करें। ये देखें अब ऑप्शन क्या हो गया, अब ओके हो गया। ठीक है, ये बाद में देखते हैं, पहले ये देख लें। अच्छा ये भी देख लें, ये भी ठीक है, ग्लो की रिफ्लेक्शन शेडो, शेडो तो हमने अभी देखा। ठीक है, इसमें और भी शेडो हैं, शेडोज और भी हैं। ठीक है, ये देखें अब इधर में, ये देखें आप इधर से कोई भी कलर सेलेक्ट करते हैं वो उधर से हो जाता है। ठीक है, ये देखें अब वो साइड में आ गया, ये देखें ये वाला, ये अब नीचे आ गई है, रेड कलर हमने रेड चॉइस किया। ठीक है, चॉइस रेड को चॉइस किया, रेड वो आ गया। ठीक है, आप इधर से भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें, ये देखें मैं इधर से कोई भी लगाऊंगा वैसे का थोड़ा हल्का, ये देखें आप चेंजिंग आ गई ना, यही बात है। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, नीचे आने के बाद ये देखें इसका हाइट स्पीड जितने वो सब कुछ, हाइट भी यानी कि इसका बढ़ाएं तो बढ़ा सकते हैं, कम करें तो कम कर सकते हैं, इसका भी यही हाल है। ठीक है, ये देखें अब इसका और ज्यादा हो रहा है इसका रंग वगैरह, अब वो आप पर डिपेंड करता है, आप कैसे इसे रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वही रख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इधर वापस ए में आ जाते हैं, इधर है टेक्स्ट फाइल। ठीक है, आउटलाइन भी आप वो कर सकते हैं, इधर नो फाइल, ठीक है नो फाइल आप है, आप सॉलिड, सॉलिड हमारा वही वाला बैक फाइल, ग्रेडियंट पे आ जाते हैं, ग्रेडियंट तो आपने देखा है। ठीक है, एक तो ये है सॉलिड फाइल, अब ये इसमें ग्रेडियंट सार में हो गई। ठीक, अब ये हमारा क्लियर हो गया, अब हम नीचे आ जाते हैं इसमें, इसमें देखें ये देखें आप इधर से भी कोई चॉइस करके ये लगा सकते हैं। ठीक है, आपके ये बीच में ये आ जाएगा, आप इधर आ जाएं, इधर भी आपको भी ये अच्छा लग रहा है, मैं ये इसी को सेलेक्ट कर लूँ, इसी को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसका जैसे छोटा करता जाऊंगा, इधर देखें ये छोटा हो रहा है। ठीक है, इसका ये फायदा, और इसके नीचे वही वाला शेडो हिसाब कलर भी, आप कौन सा कलर भाई लगाना चाहते हैं, भाई आप कौन सा कलर लगाना चाहते हैं, ये लगाना चाहते हैं ये लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको परफेक्ट लगे वो लगा सकते हैं। मैं दोबारा वापस आ जाता हूँ, वापस आने के बाद मैं वहीं पे इसे सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ इधर से। ठीक है, कंट्रोल ए करने के बाद मैं दोबारा वापस, ये देखें ठीक है शेडो हो गया, शेडो के बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद ग्लो हमारा कर, आप नंबर स्टाइल से आप इधर में से कोई भी नंबर स्टाइल लगा देना सकते हैं, तो लगा इधर लिग्नेचर्स, ठीक है इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये बात का इशू है। ठीक है, आप इधर से आप ये स्टाइल सेट्स, ठीक है अब हमारा हो गया क्लियर। यार आज का हमारा जो लेक्चर यहीं तक, आज का